आप यहां जाकर अदालत में पेश होने की जहमत बेकार उठा रहे हैं। मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेता। हम जानते हैं वकील साहब, हम तो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने वाला हमसे आंखें कैसे मिला पाता है। अरे आपसे आंखें कैसे मिलाएगा, मुकदमा तो आपका जीता हुआ है। अरे ठहरो, यहां कुछ गड़बड़ है। ठहरो सूरज। मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। नमस्ते मालिक। नमस्ते। शाबाश बेटी, तुमने बड़ी बहादुरी से हमारी प्रजा के बच्चे की जान बचाई। इनाम के तौर पर ये स्वीकार करो, ये लो। ये बेटी क्षमा कीजिए, मैंने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया कि मैं जीतने का पुरस्कार लूं। मैंने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है। नमस्ते। कौन ये लड़की, कहाँ रहती है? कुछ मालूम नहीं सरकार, पर अपने गांव की नहीं है। अच्छा? मालिक पहली बार देखा इसे, ना जाने कहां से अचानक ये लड़की आई और बच्चे की जान बचाकर चली गई। नमस्कार दीवान जी। नमस्कार भाई। नमस्कार। ये रहा बही खाता और ये संभाल लिए रकम। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी हालत देखकर सारे गांव वालों का दिमाग। मैं अपना परिचय सिर्फ शरीफ लोगों को देती हूँ। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? आपकी हरकत ने आपकी तारीफ कर दी। विजयगढ़ के छोटे सरकार निरंजन प्रताप सिंह से मुकाबला करने का अंजाम शायद तुम्हें नहीं मालूम। शायद आपको भी नहीं मालूम कि अत्याचार करना और उसे सहना दोनों ही पाप है, जिसे न गौरी देख सकती है न सह सकती है। लड़की, तुमने न सिर्फ मेरा अपमान किया है बल्कि जमींदारी के काम में दखल भी दिया है। आपने भी न सिर्फ एक निहत्ते और गरीब किसान को बेरहमी से मारा है बल्कि अपनी नीचता का परिचय देकर जमींदार घराने की शान को बट्टा लगाया है। खामोश। आपको शर्म आनी चाहिए, जिन किसानों के खून पसीने की मेहनत पर आप ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं उन्हीं को आप जुल्म का शिकार बनाएंगे तो कौन आपको लगान देगा, कौन आपको छोटे सरकार कहेगा? याद रखिए, वो जमाना बीत गया जब इंसान के भाग्य का फैसला जुल्म सितम के जोर पर होता था। आज आपको तभी सम्मान मिलेगा जब आप दूसरों का सम्मान देंगे, इंसान को इंसान समझेंगे। जाइए। किसानों को भड़काने की सजा देना मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन एक लड़की पे हाथ उठाना मेरे असूल के खिलाफ है।
चलो काका। गौरी ने तो आज सचमुच चंडी का रूप दिखा दिया। गौरी ने हमें जीने का सही रास्ता बताया। गौरी, अरे ओ गौरी बिटिया। पिताजी। अरे ये मैं क्या सुनकर आ रहा हूँ, तूने आज सांप के बिल में हाथ दे दिया। छोटे सरकार से दुश्मनी का मतलब तू नहीं जानती बेटी। वो छोटे सरकार है तो आदमी को आदमी नहीं समझेंगे, बात का जवाब लाज से देंगे और केशव काका पर चाबुक चलाएंगे। चाबुक? हरे राम हरे राम, मैंने तो देखा ही नहीं। केशव, तुम्हें तो काफी चोटें आई हैं। क्या कहूंगा जी, वो तो भगवान ने गौरी बिटिया को ठीक वक्त पे भेज दिया, नहीं तो रामजा ने जान भी बचती या नहीं। मैंने इनके घाव पर चंदन का लेप लगा दिया है। हाँ, अब तो जलन कुछ कम हो गई है, आराम मिल रहा है। और यह है पीड़ानाशक बूटी, इसे दिन में दो बार लेना दूध के साथ, और दो चार दिन खेत पर नहीं जाना। अच्छा बिटिया, नमस्ते। अरे वाह बेटी वाह, तू तो पूरी वैद्य बन गई है। हाँ? आप जैसे विद्वान की बेटी हूँ ना, तभी तो छोटे सरकार की सूरत देखते ही समझ गई थी कि जरूर उसके दिमाग में कोई रोग है, इसलिए थोड़ा सा इलाज कर दिया बस। सरकार तू गद्दी पे बैठेगा, मैं तेरी जान से मार दूंगा। क्या कह रहे हो श्री राम? हाँ महारानी जी, बड़े कोर को निरंजन चाबुक से मारे डाले हैं। बदतमीज, बड़े भाई पर हाथ उठा था, मैं तुझे दिखाती हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? सुनो वारी, कितना अच्छा कहा है। नो प्रॉफिट शाल एवर टेक यू टू ट्रुथ, नो बाइबल टू दैट सुप्रीम समिट, नो फिलोसफी, नो रिलीजन, नो योगा, नो एनीथिंग शाल एवर रीच यू देयर। स्वामी जी कहते हैं सत्य क्या है, अभी तक कोई समझ नहीं सका। क्या आप इनसे सहमत हैं? हाँ वारी, मैं समझता हूं ट्रुथ इज एन इटर्नल मिराज,
इट इज ऑल्सो मैन कॉन्स्टेंट सर्च. ठीक कहा आपने बाबूजी, आपसे मिलने आए हैं. पिताजी जीत रहो बेटा, जीत रहो. क्या पढ़ रहे थे बेटा, फिलोसफी? जी हाँ पिताजी, बहुत अच्छा विषय है. समझ जाते हो? जी हाँ थोड़ा थोड़ा. बड़ी खुशी हुई बेटा, हम तो तुम्हें सिर्फ देखने आए थे. चल पढ़ो. तो संभव संभव कैसे हुआ? आपके आशीर्वाद से बाबूजी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी हार न पाए. उठो बहू उठो, तुम स्वयं सिद्धा हो. तुमने इस अंधेरे घर को अपनी तपस्या की ज्योति से प्रकाशित कर दिया है. आज इस संसार में हमसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं.